हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर डायगोनल मेथड से कैसे निकालते हैं। और बहुत ही इजी मेथड होता है डायगोनल मेथड। आप इसकी मदद से आप किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं, चाहे वो नंबर 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आसान पड़ता है क्योंकि ट्रिक देखो लोअर डिजिट के लिए बहुत काम करता है, लेकिन ये डायगोनल मेथड आप हायर से हायर डिजिट का भी अगर स्क्वायर निकालना चाहो, चाहे वो 5 डिजिट हो, 7 डिजिट हो, 8 डिजिट हो, आप किसी भी नंबर्स का स्क्वायर बहुत क्विक निकाल सकते हो। तो देखो मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, 2 डिजिट से मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे मान लो हमें 25 का स्क्वायर निकालना है और बोल रहा है डायगोनल मेथड से, तो आपको क्या करना है, एक स्क्वायर बनाओ। स्क्वायर को आप 4 भाग में बांट दो। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको सभी को फिर डायगोनली क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये 2 लिखना है, यहाँ पर 5, यहाँ पे भी 2 लिखना है, यहाँ पर 5, 2 2 जा 4। तो यूनिट डिजिट आप नीचे लिखना, टेंस डिजिट ऊपर। तो देखो 4 में टेंस डिजिट कुछ नहीं है तो 0 है, 2 5 जा 10 तो देखो 10, 5 2 जा 10 तो 10, 5 5 जा 25 तो ये हो गया 25। यहां से देखो ये 5 लिखो, 2 2 प्लस 0 कितना होगा, 2 प्लस 0 प्लस 0 2, 4 1 5 1 6 और ये तो 0, तो देखो ये निकल गया 25 का स्क्वायर कितना, 625। इसी तरह मान लो हमें 29 का स्क्वायर पूछे, तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, एक स्क्वायर बनाओ, फिर 4 स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर दो, ये डायगोनल बना दो, और यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पर 9। फिर देखो 2 2 जा 4 तो 0 4, 2 9 जा 18 तो 1 8, 9 2 जा 18 तो 1 8, देखो 2 9 जा 18 एंड 9 2 जा ऑल्सो 18, 9 9 जा 81। देखो आ गया ना, यहाँ पे 1 लिख दो, फिर यहाँ पे देखो 8 3 24 है, 4 2 4 2, 4 2 6 2 कितना 8, तो 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 841। ये भी आसान है। अब मान लो कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर निकालना है, फिर से आप क्या करो, डायगोनल्स बनाओ। देखो इस तरीके से यहाँ पर आप लिख दो 5, यहाँ पे 3, यहाँ पर 5, यहाँ पे 3, देखो 5 5 जा कितना 25, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 आ गया ना। यहाँ पे देखो 9 लिख दो, यहाँ पे 5 5 10, हाथ में 1, 5 1 6 1 7 1 8 और यहाँ पे देखो 2 लिख दिए, तो 53 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 8 0 9। क्लियर है ना। इसी तरह मान लो आपको 69 का स्क्वायर या कुछ भी लिखना है, चलो 69 ही लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वही काम करोगे, यहाँ पे 6 लिखना, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6 लिखना, यहाँ पे 9, तो 6 6 जा 36, 6 9 जा कितना हो जाएगा, 54। इसके बाद देखो 9 6 जा फिर 54 और 9 9 जा 81। यहाँ देखो 1 आ गया, फिर 8 4 12, 12 4 16 के 6 हाथ में 1, 6 5 6 11, 11 5 16 1 17 हाथ में 1, 3 1 4, देखो निकल गया ना 69 का स्क्वायर। तो 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना आसान है ना। एक और मैं 2 डिजिट बता देता हूँ, 99 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 99 का स्क्वायर कोई भी संख्या दे ना 2 डिजिट का, तो इस तरह से आप क्या करो, 4 खंड में स्क्वायर बना लो, फिर डायगोनली बना के और डिजिट यहाँ 99 लिखना, यहाँ 99, फिर 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 और 9 9 जा 81। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 8 2 10 के 0, फिर देखो 8 8 16 1 17 1 18 के 8, 8 1 9, तो देखो 99 का स्क्वायर कितना निकल जाएगा, 9 8 0 1। आसान है ना। अब मैं आपको 3 डिजिट का बताता हूँ। ठीक है, तो 2 डिजिट का देखो कितना आसान वे में निकल गया किसी भी संख्या का स्क्वायर। चलो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आपको नोट करना है कर लीजिए नोट। चलो बहुत अच्छा, आज हम लोग हर एक संख्या का 2 3 4 5 6 डिजिट तक भी कम से कम स्टडी करेंगे कि डायगोनल मेथड का प्रयोग करके कैसे हम किसी संख्या का स्क्वायर निकाले। तो देखो मान लो 3 डिजिट का दे दिया, 1 मान लो 123 दे दिया, इसका स्क्वायर निकालना है। अब मल्टीप्लाई नहीं करो, खटाक सीना आप क्या करो, इस तरह से बॉक्स बना लो, 9 बॉक्स बना लो, देखो 9 बॉक्स बना लिए ना मैंने। अब सबको क्या करो, डायगोनली आप इसको इस तरह से डिवाइड कर दो, यहाँ लिखो 1 2 3, यहाँ पे भी लिखो 1 2 3, तो देखो 1 1 जा 1 तो 0 1, 1 2 जा 0 2, ये 0 3 हो जाएगा, देखो 2 1 जा 0 2, 0 4 और 2 3 जा 6 तो 0 6, 3 1 जा तो 0 3, 3 2 जा 6 तो 0 6, 3 3 जा 9 0 9। अब सिंपली इसको क्या करो, ऐड करो, देखो 9 हो गया, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 4 3 7 3 10, 11 के 1 हाथ में 1, 2 2 4 1 5 और ये देखो 1 आ गया ना। 123 का स्क्वायर कितना हो गया, 15129। कितना आसान वे में, मुश्किल से 10 सेकंड
12 सेकंड लगेगा ये बॉक्स बनाने में, आपको कितना, दो मुश्किल से 10 सेकंड बहुत हो गया, और ये इसमें 10 सेकंड, 10-12 सेकंड में आप आराम से स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे मान लो कि मैं दिया आपको 329 का स्क्वायर निकालना, ठीक है, तो 329 में भी आपको यही करना है, 9 बॉक्स बनाओ खटाखट, ठीक है, 9 को बॉक्स बनाने में 3 सेकंड बहुत हुआ, ठीक है। इस तरह से फिर इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, यहाँ 329 लिखो, यहाँ पे भी 329 लिख दो, और देखो 339 तो 09, 32 6 06, 39 27 हो गए ना, फिर 23 6 06, 22 4 04, 29 18 18, 93 27, 92 18, 99 81। मल्टीप्लाई करने में बहुत आसान है, अब जोड़ना तो सबके लिए आसान होता है, तो 1 हो गया, देखो 8 3 24 के 4 हाथ में 2, तो 7 1 8, 8 4 12, 12 1 13, देखो 7 1 8 4 12 1 13, 7 20, 20 और हाथ में 2 है तो 20 2 कितना हो गया 22, फिर देखो 2 6 6 12, 13 14 15 16 17 18, हाथ में 1, 9 1 10, निकल गया ना 329 का स्क्वायर कितना हो गया 108241। इस तरीके से आप डायगोनली क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो किसी भी संख्या का स्क्वायर। जैसे मान लो कि मैं लिखूंगा 799 का स्क्वायर फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे भी आप फटाक्सी ना बॉक्स बनाओगे, कै को बॉक्स बनाओगे, 9 को बॉक्स बनाएंगे और सभी को डायगोनली क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ देखो 799 लिखना, यहाँ पे भी 799 लिखना, ठीक है। अब क्या करोगे, 7 7 49, फिर देखो 9 7 कितना 63, 9 7 63, ये 63 हो गया ना, फिर 9 7 63, 9 9 81, 9 9 81, फिर 9 7 63, 9 9 81, 9 9 81, ठीक है। चलो मैं टेबल हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलता हूँ, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इंग्लिश मीडियम वाले कोई प्रॉब्लम ना हो ना। अब देखो ये 1 हो गया, 8 2 10 के 0 हाथ में 1, अब सबको ऐड करना, देखो ये पूरा को ऐड करना है एक साथ, तो 8 3 11 12 8 20 23 23 1 24, हाथ में कितना 2, फिर देखो 6 3 9 9 8 17 17 3 20 20 6 26 27 28 के 8 बचा 2, 6 6 12, 12 और 9 मिलके कितना हो गया 21 21, 22 23 के 3 हाथ में 2, 4 2 6, तो देखो निकल गया ना 799 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 638401, ठीक है। अब एक बार सही से जोड़ लोगे, ठीक, तो इस तरह से हम लोग डायगोनल मेथड का यूज करके देखो 3 डिजिट का भी नंबर्स का क्या किया हमने, स्क्वायर निकाल लिया। अब मान लो हमें 4 डिजिट का पूछे, चलो मैं इसे इरेज कर रहा हूं, बड़ा से बड़ा संख्या का भी हम स्क्वायर निकाल सकते हैं डायगोनल मेथड से, गलती होने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। जैसे मान लो मैं दिया 3 3 4 3 इसका स्क्वायर, ठीक है, आप देखो यहाँ पे 4 डिजिट का स्क्वायर निकालना, तो 4 डिजिट का स्क्वायर निकालना है तो क्या को बॉक्स बनाओगे, 4 6 16 को बॉक्स बनाओगे, तो देखो 4 4 8 6 12 और 4 6 16, बॉक्स बनाने में कितना आसान है, आराम से हम लोग बना देंगे और इसको डायगोनली क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्लियर है ना। और यहाँ पे देखो 3 3 3 3 लिखना, यहाँ पे भी 3 3, अच्छा यहाँ 4 है ना, 4 3, यहाँ पे भी 4 3, अब देखो 3 3 9 09, 3 3 9 09, 3 4 12 12, 3 3 9 09, 3 3 09, 3 3 09, 3 4 12, 3 3 09, 4 3 12, 4 3 12, 4 4 16, 4 3 12, 3 3 9 09, 3 3 09, 3 4 12, 3 3 09, अब बस जोड़ना है, तो देखो यहाँ पे कितना लिख दिया 9, 2 2 कितना हुआ 4, फिर देखो 9 1 10, 10 6 16, 16 1 17, ठीक है 17 और 9, तो 17 और 3 20, 20 6 26, हाथ में कितना है 2, फिर देखो 9 2 11 1 12 12 13, 9 2 11 1 12 12 13 14, 14 15 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, फिर देखो 2 बचा, फिर 2 1 3, 9 3 12 12 1 13, 14 15 15 16 17, हाथ में कितना बचा 1, 9 1 10, 10 9 19, 21 1 23, हाथ में 2, 9 2 11, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो स्क्वायर निकाल सकते हो 3 3 4 3 का स्क्वायर। तो 3 अंक रहे 4 अंक रहे, हम लोग आराम से डायगोनल मेथड का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो 1 2 3 4 5 इसका हमें स्क्वायर बोलेगा, तो अब समझ में आ गया होगा ना कितना आपको बॉक्स बनाना है, तो आप कितना बॉक्स बना लेंगे 25, देखो 5 5 25,
कैसे बॉक्स बनाओगे? देखो यहाँ पे एक दो तीन चार पांच, देखो एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स और यहाँ पे कितना हो गया, ये पांच। देखो 25 बन गया ना, 25 तो बॉक्स। अब आप आराम से क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सबको डायगनली क्या करने का, बांट देने का। देखो इस तरीके से डायगनली बांटना है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे डायगनली बांट दो। और डायगनली बांटोगे तो देखो ये तो बहुत आसान है, 1 0 0 2 0 3 0 4 0 5। फिर देखो 2 1 0 2, 2 2 0 4, ये 0 6, 2 4 8, तो 0 8, 2 5 10, तो 1 0। फिर 3 1 0 3, 3 2 6, 3 3 9, कितना 0 9, 3 4 12, 3 5 15। फिर देखो 4 1 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। फिर यहाँ पे देखो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। अब जोड़ना आसान है आपके लिए, देखो यहाँ पर कितना लिख दोगे, पांच, यहाँ पे कितना लिखोगे, दो। फिर देखो 5 2 7, 7 6 13, 13 14 15 5 20 के सुनना आपने कितना, दो। फिर यहाँ से आप पूरा इसको एक साथ जोड़ो, तो 2 1 3 1 4 2 6, 4 2 6 7 2 9, गया हाथ में कुछ नहीं बचा। अब इसको लो, 5 1 6 8 6 14, 14 1 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24, 24 1 25, 25 और 8, तो 25 5 30 3 33 34, 34 और 5 39, हाथ में कितना बचा, 3, ठीक है ना। फिर यहाँ देखो 6 4 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 और 3 कितना होगा, 23, हाथ में 2। अब देखो 4 4 3 7, 7 3 10, 10 10 2 12, हाथ में 1। फिर 2 2 4 1 5, और यहाँ पे कितना होगा, 1 हो गया। तो डायगोनल मेथड का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी संख्या का स्क्वायर को इजिली निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डायगोनल मेथड। ओके, थैंक यू।